तुम कब जाओगे अतिथि। तुम कब जाओगे अतिथि के लेखक शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। जोशी जी की प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन, नीमच और देवास जैसे विभिन्न शहरों में हुई। उसके बाद इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये कुछ समय तक तो सरकारी नौकरी करते रहे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने लेखन को ही आजीविका का साधन बना लिया। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग पूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे हैं। हिंदी व्यंगकारों में शरद जी का बहुत ऊंचा स्थान है। शरद जोशी की प्रमुख कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। साथ ही इन्होंने दो व्यंग नाटक और एक उपन्यास भी लिखे हैं। सन 1990 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक तरीके से चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने पर विवश भी होता है। शरद जोशी जी ने अपनी कहानी तुम कब जाओगे अतिथि में ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई सूचना दिए चले जाते हैं और कई दिनों तक जाने का नाम नहीं लेते, भले घर वालों को उनका टिके रहना कितना ही भारी क्यों ना पड़े। लेखक शरद जोशी जी के घर इस अतिथि को आए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये है कि जाने का नाम ही नहीं लेते। लेखक जानबूझकर इनके सामने हर दिन कैलेंडर के पन्नों को पलटती थी ताकि इसे देखकर इस अतिथि को ये एहसास हो जाए कि उन्हें आए काफी दिन हो गए। ये अतिथि जिस दिन आए थे उस दिन लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं उनका बटुआ कांप गया। उन्हें ये डर सताने लगा कि बहुत खर्चा हो जाएगा। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ लेखक उनके गले मिले थे। उन्हें ये आशा थी कि वे अगले दिन चले जाएंगे, इसलिए रात को शानदार भोजन परोसा गया। 2 सब्जियां, रायता और साथ में मीठा। दूसरे दिन भी वो अतिथि वापस नहीं गए, लेकिन लेखक फिर भी प्रसन्न ही बने रहे। अतिथि को बीती रात के भोजन में जो उच्च गरिमा प्रदान की गई थी उसे बनाए रखने के लिए लंच में उन्हें बढ़िया भोजन और फिर रात में सिनेमा दिखाने ले जाया गया। इसके बाद लेखक ने मन ही मन सोच लिया था कि अब तो अतिथि चले ही जाएंगे और लेखक स्टेशन पर उन्हें भावभीनी विदाई देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन अतिथि ने कहा कि मैं धोबी को अपने कपड़े देना चाहता हूं। ये सुनते ही लेखक के मन में एक चोट सी लगी। उन्हें ये लगने लगा कि ये अतिथि सत्कार अब रबर की तरह खिंचने वाला है। उस स्थिति से बचने के लिए लेखक ने ये कपड़े धुलने के लिए लॉन्ड्री में दे दिए ताकि ये जल्दी धुलकर आ जाएं और अतिथि जल्दी चले जाएं। अगले दिन लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर आ गए, लेकिन अतिथि हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। लेखक को पहली बार ऐसा लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेखक के मुंह पर उन्हें देखकर जो मुस्कुराहट आई थी वो भी अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अब दोनों में पहले जैसी ठहाकों भरी बातचीत भी नहीं रही, क्योंकि चर्चा करने के लिए अब कोई विषय ही नहीं बचा, एक चुप्पी सी है अब। लेखक के मन में अब बार बार एक ही प्रश्न उठता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। इधर रसोई घर में सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। शानदार डिनर से चले थे और अब खिचड़ी पर आ गए। लेखक सोचने लगे यदि अब भी अतिथि नहीं गए तो लेखक को उपवास रखने की जरूरत आ पड़ेगी। अब तो लेखक और इस अतिथि के संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं, यानी उनके संबंध इतने खराब हो गए जैसे कि एक बीमारी का रूप ले लिया हो। लेखक मन ही मन सोचने लगे
कि दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है, ताकि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। रात को लेटे लेटे लेखक यही सोच रहे थे कि कल की सुबह इस अतिथि की पांचवी सुबह होगी और ये अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चली जाएंगे। लेकिन जब अगली सुबह भी अतिथि ने जाने का नाम नहीं लिया, तब आखिर में लेखक के मुंह से एक ही बात निकली कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। एक अच्छा अतिथि वही होता है जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए।